नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समी बोल्सकाई में आपका स्वागत है। खाने की खुशबू और जायका बढ़ाना हो या फिर माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करना हो, छोटी इलायची का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। आपने आज तक छोटी इलायची खाने के फायदे तो बहुत सुने होंगे, पर क्या आप जानते हैं इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करना आपकी सेहत को नुकसान भी पहुँचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। हमारा शरीर इलायची को पूरी तरह से पचा नहीं पाता है। इसका ज़्यादा सेवन करने से इसके बीज धीरे धीरे इकट्ठा होकर गाल ब्लेडर में स्टोन का कारण बन जाते हैं। जिन लोगों को पथरी की समस्या है उनके लिए इलायची का सेवन परेशानी पैदा कर सकता है। इलायची के बीज स्टोन को बढ़ा सकते हैं। इसका सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसका सेवन अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करें। ऐसा न करने पर ये स्किन में सूजन और दर्द पैदा कर सकती है। इलायची का गलत सेवन करने पर यह स्किन एलर्जी, दाग धब्बे जैसी समस्या भी पैदा कर सकती है। वहीं अगर आपको इलायची खाने से एलर्जी होती है तो उसका सेवन करने से बचें, वरना आपको सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि इलायची की तासीर ठंडी होती है। इसका ज़्यादा सेवन करने से किसी भी व्यक्ति को खांसी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अधिक मात्रा में इलायची खाने से गर्भपात भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान इलायची का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वहीं इलायची का ज़्यादा सेवन करने से व्यक्ति को जी मचलाने और उल्टी आने जैसी समस्या भी हो सकती है। अगर आप किसी तरह की दवा का सेवन कर रहे हैं तो भी इलायची का सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इलायची में मौजूद एंजाइम्स दवा के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा इलायची आपके पाचन तंत्र को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बिगाड़ सकती है। जब आप ज़्यादा इलायची खाने लगते हैं तो आपका पाचन तंत्र उसे सही से पचाने में असमर्थ हो जाता है। इससे गैस्ट्रो स्टोन बन सकता है। कुछ केसेस में गॉलब्लैडर में स्टोन होने की परेशानी बढ़ जाती है। अगर आपको किडनी या फिर पित्ताशय में पथरी है तो भी इलायची खाने से आपको बचना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।